ग्रामीणों ने युवक को चोर समझकर पीटा, इलाज के दौरान हुई मौत। खबर सुल्तानपुर से है, जहां दिनांक 18 अगस्त 2020 को एक युवक को गांव के कुछ लोगों ने पीटकर सड़क पर लाकर फेंक दिया। आनंद फानंद में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। लोग मृतक पर चोरी करने का आरोप लगा रहे थे। वहीं परिजनों का कहना है कि मृतक प्लम्बर का काम करता था। कुछ युवक उसे नशे की हालत में लेकर आए थे और वो साजिश का शिकार हो गया। आज जब पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव घर पहुंचा तो परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस अधिकारियों को समझाने बुझाने के बाद शव का अंतिम संस्कार किया जा सका। बताते चलें कि वहीं पारिवारिक जनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर शव को रख कर किया प्रदर्शन। मृतक हरिराम यादव गोसाईगंज थाना क्षेत्र के पांडेपुर सुरौली गांव का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी बीच पोस्टमार्टम के बाद आज जब मृतक का शव घर पहुंचा तो परिवार वाले आरोपियों की गिरफ्तारी और मुकदमे की धाराओं को बदलने को लेकर प्रदर्शन करने लगे। इससे पुलिस के हाथ पांव फूल गए। काफी देर मान मनोबल के बाद जब पुलिस ने इस बात का आश्वासन दिया कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तब कहीं जाकर शव का अंतिम संस्कार हुआ। उसके भाई को गांव के दो लोग और पड़ोसी गांव के दो लोग रात में काम के बहाने बुला के मिले। उसके उपरांत उसके साथ मारपीट कर दी। उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उसमें चार लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर दी, जबकि आरोपी पक्ष का कहना ये है कि उनके यहाँ पर चोरी करने आया था। पुलिस जो विधिक प्रक्रिया है, गुणदोष के आधार पर जाँचों पर जो कार्रवाई है वो संपन्न कर।